हेलो दोस्तों, आपका मैम की स्टडी के 10वीं कक्षा के गणित में स्वागत है। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल MMK स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम ला रहे हैं प्रश्नावली 1D और इसमें देखिए प्रश्न नंबर 1 सबसे पहले है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। तो इसमें क्या करना है, बगैर भाग विधि के, लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब बगैर भाग विधि के आपको ज्ञात करना है कि यह शांत दशमलव या अशांत दशमलव में है। तो देखिए, पहला है 17/8। तो क्या करते हैं इसमें, इसमें जो दी हुई संख्या होती है, ये जो 17/8 है, इसके हर को हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 8 का, 2 से काटेंगे 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 आएगा। तो इसका अर्थ हो गया, अब देखिए इसका हर जो है, हर 8 बराबर होगा 2 × 2 × 2, यानी हो गया 2³। तो आप देखो, इसको लिख सकते हैं 17/2³। अब देखिए नियमानुसार क्या है, नियम इसका है, लिखेंगे नियमानुसार, नियमानुसार यदि हर के, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड २^n × ५^m के रूप में है तो शांत आवर्ती होगी, शांत आवर्ती है। तो संख्या क्या है, शांत आवर्ती है। तो इसका देखिए, इसका हर जो कितना है, 2³ है। तो इसको देखिए लिखा जा सकता है 2^5^0। तो इसका मतलब देखिए, इसका हर जो है 2³ है, 2^n के रूप का है, और इसको 5^0 लिखा जा सकता है इसको, और ये हो गया 5^m के रूप का। तो इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए 17/8 शांत दशमलव है या शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है, ये आपका सिद्ध हो गया। देखिए दूसरा वाला है, दूसरा वाला क्वेश्चन है 15/16। तो 16 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखिए 16 कैसे होगा, 1600 का देखिए 2 से काटेंगे 800 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 400 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 200 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 100 आएगा, फिर देखिए 2 से काटेंगे 50 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 25 आएगा। अब उसके बाद देखिए 25 को जब काटेंगे 5 से तो 5 आएगा, फिर 5 × 5 आएगा। यानी अब देखिए इसके हर का जो है, हर जो है 1600 है, इसका गुणनखंड क्या आ गया, इसका गुणनखंड आ गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, अर्थात देखिए हो गया 2^6 × 5^2, इस रूप का हो गया। तो इसको लिखेंगे 15/1600 बराबर 15/2^6 × 5^2। अब देखिए इसका हर, हर 2^n × 5^m के रूप का है, इसलिए 15/1600 शांत आवर्ती है।
ये आंसर हो गया आपका। अब देखिए इसी का तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या दिया गया देखिए, 23/2 की घाते 3, 5 की घाते 2। तो इसमें देखिए ऑलरेडी इसका हर जो है, हर 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का है। ऑलरेडी यहाँ पर दिया ही गया है कि रूप का है, इसलिए 23/2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 2 शांत आवर्ती होगी, शांत आवर्ती है। ये हो गया आंसर। अगला देखिए क्या है, अगला है 35/50। तो अब देखिए 50 को क्या करेंगे, 50 का भी देखिए गुणनखंड इसी तरह से कर लेंगे। 50 काटेंगे, 2 से काटेंगे 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे ये आएगा 5 एकम 5। अर्थात देखिए हर 50 बराबर कितना होगा, हर इसका गुणनखंड 2 गुणे 5 गुणे 5, अर्थात क्या हो गया, 2 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 2। तो इसको लिखेंगे 35/50 बराबर 35/50 की जहाँ लिख देंगे 2 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 2। अब देखिए इसका हर भी, हर 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का है, रूप का है, इसलिए 35/50 शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। ये हो गया आंसर। अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 इसी का, एक का 5वां सवाल देखिए है। अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है 6/15। 6/15 क्या करेंगे देखिए, इसको हम लिख देते हैं 2 गुणे 3, 2 3 6, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5। अब 3 से 3 कट गया, यह आ गया 2/5, यानी 5 घाते 1। अब इसमें देखिए हम बढ़ा सकते हैं, 2 की 5 घाते 1 है ना, इसमें हम इसको लिख सकते हैं 2/2 की घाते 0 5 घाते 1 लिखा जा सकता है। लिखेंगे अब यहाँ पर हर 2 की घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है, इसलिए 6/15, 6/15 शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। अब यहाँ पर देखिए छठा क्वेश्चन है इसका, छठा क्या देखिए, 129/2 की घाते 2 5 घाते 7 7 घाते 5। अब देखिए इसमें 7 घाते 5 एक्स्ट्रा आ गई है, अब यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे हर 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का नहीं है, नहीं है, इसलिए 129/2 की घाते 2 5 की घाते 7 7 की घाते 5 अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। अगला देखिए क्या है, 77/210, 77/210 इसको लिखेंगे, 7 से काटेंगे 11 आएगा। देखिए उसके बाद देखिए 110 का क्या होगा, 110 को देखिए इसी तरह से मतलब अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 210, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 0 2 पंजे 10, फिर 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 एकम 2,
अब तीन से कटेगा, फिर आएगा तीन, अब देखिए तीन एकम तीन, तीन सते नहीं दो, तीन सते 21, 17 आ गया। देखिए क्या आ रहा है, दो सौ दस का अभाज्य गुणनखंड देखिए, 210, 210 को काटेंगे, दो से दो एकम दो, शून्य दो पंजे 10, फिर इससे इसको काटेंगे, दो से दो पंजे 10, नहीं दो से नहीं कटेगा, तीन से कटेगा, तीन त्रिका नौ, तीन पचे 15, फिर पाँच से कटेगा, पाँच सते 35, फिर सात से कटेगा। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया, दो गुणे तीन गुणे पाँच गुणे सात, तो सात से सात कट गया। अब इसको लिखेंगे 11 बटे, यहाँ क्या हो गया, दो गुणे तीन गुणे पाँच। अब इसमें देखिए दो और पाँच तो मिल रहा है, दो की घाते एन पाँच घाते एम है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा जो है तीन आ गया, इसकी वजह से लिखेंगे हर दो की घाते एन गुणे पाँच की घाते एम के रूप का नहीं है, इसलिए 77 बटे 210 अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। अब उसके बाद देखिए इसी का आठवां क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर एक का आठवां है, 13 बटे 3125, 3125। तब देखिए 3125 को क्या करेंगे, इसको देखिए इसी तरह से 3125, ये डायरेक्ट पाँच से कटेगा, तीन उनसे नहीं कटेगा, तो इसमें देखो क्या होगा, इसको पाँच से काटेंगे, पाँच छः तीस, एक बचा 12 हुआ, पाँच दूनी 10, फिर दो बचा 25 हुआ, पंचम 25, फिर पाँच से काटिए, पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी 10, पंचम 25, फिर पाँच से काटिए, पाँच दूनी 10, पंचम 25, फिर पाँच से काटिए, पंचम 25, फिर पाँच से काटिए, पाँच एकम पाँच, यानी कितना आ गया। अब देखिए इसका हर हर जो है 3125 बराबर आ गया पाँच गुणे पाँच गुणे पाँच गुणे पाँच गुणे पाँच, पाँच बार है, तब इसको लिखा जा सकता है पाँच की घाते पाँच। अब इसको देखिए लिखेंगे 13 बटे 3125, इसमें जो हर आ गया है आपका हर आया पाँच की घाते पाँच, तो इसमें देखिए इसको बढ़ाया जा सकता है दो की घाते जीरो गुणे पाँच की घाते पाँच, दो की घाते जीरो करेंगे तो उसका मान एक होता है, इसकी वजह से जो है यहाँ बढ़ाया जा सकता है। इस देखिए इसका हर जो है, अब लिखेंगे हर दो की घाते यन गुणे पाँच की घाते यम के रूप का है, रूप का है, इसलिए 13 बटे 3125 शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। अब उसके बाद देखिए 64 बटे 455 है, तो 455 को भी जो है अभाज्य गुणनखंड करें करना है इसका, 455 का अभाज्य गुणनखंड देखिए क्या आएगा, काटेंगे 455, अब देखो ये कटेगा किससे, कटेगा पाँच से, पाँच से कटेगा, पाँच नवा 45, पाँच एकम पाँच, फिर कटेगा किससे, सात से, सात एकम सात, सात त्रिक 21, फिर 13 से कटेगा। तो इसमें देखिए आ गया, इसको लिखेंगे 64 बटे 455 बराबर 64 बटे, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, पाँच गुणे सात, पाँच गुणे सात गुणे 13, ये देखिए सात रहेगा। तो इसमें देखिए इसका हर जो है, हर
दो की घाते यन गुणे पांच की घाते यम के रूप का नहीं है, इसलिए 64/455 अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। अगला देखिए, इसी का दसवां है, दसवां क्वेश्चन क्या है, 29/343। तो 343 को जब काटेंगे, देखिए इस तरह से, तो 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 नवा 63, फिर 7 सत्तावन 49, 7। तो यहाँ लिखेंगे 29/7×7×7, ये लिखेंगे 29/7³। इसमें देखिए 2 और 5 नहीं मिल रहा है, इसलिए लिखेंगे हर, जो कि हर 2×n×5×m के रूप का नहीं है, अतः 29/343 अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। यही हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 10 10 क्वेश्चन था, ये समाप्त हो गया। देखिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।